हेलो एवरीवन गाइस, हमारे साथ हैं आईआईटीएन राविन शुक्ला सर, और सर ने कानपुर में काफ़ी वर्षों से सिलेक्शन दिए हैं और 2022 में सर के इंस्टीट्यूट का नाम काफ़ी उभर के आ रहा है, और अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो सर का इंस्टीट्यूट टॉप पर नज़र आएगा। तो सर, कानपुर में ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि जो बच्चों के सिलेक्शंस हैं आईआईटी में हो रहे हैं 100 के नियर अबाउट आपके यहाँ से रैंक जारी, तो ऐसा आप क्या प्रोवाइड बच्चों को करें जैसे कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं? देखिए, स्टूडेंट्स का सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमारे यहाँ टीम है वो अच्छे से वर्क कर रही है स्टूडेंट्स के साथ। प्लस सेकंड थिंग, हम लोग केवल स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, और ये प्रॉपर उनको अच्छे से हम लोग गाइड कर रहे हैं। बस वो स्टूडेंट्स उसी रास्ते पर जो हम लोग गाइड करते हैं वो उतना भी कर ले जाते हैं तो वो सिलेक्शन के उनके चांस हो जाते हैं। और हम लोग तो ये कहते हैं कि हम लोग तो 20% सिलेक्शन के लिए बस उनको बस गाइड कर पाते हैं, 80% तो स्टूडेंट के हाथ में होता है। वो मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली सेलेक्ट हो जाएंगे। बस हमारा सबसे पीछे ये जो सिलेक्शन के पीछे जो राज है वो है हमारा बेस्ट स्टडी मटेरियल और हमारे टीम की हार्ड वर्क। अच्छा सर, जैसे स्टडी मटेरियल की हम बात करते हैं तो स्टडी मटेरियल में क्या ऐसा अलग है जो अदर इंस्टीट्यूट से आपके यहाँ अलग होगा? क्या आप कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जो स्टडी मटेरियल को देख के बच्चे यहाँ पे समझ सकें चीज़ों को? देखिए सर, हमारे यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है वो बेसिक क्वेश्चन से लेकर के फिर देन लेवल 1, देन लेवल 2, देन एडवांस के क्वेश्चंस तक है। प्लस सेकंड थिंग, हमारे स्टडी मटेरियल की जो सबसे अच्छी खासियत है वो हमारा स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जैसे कि मैं आपको शो करता हूँ, मैम बुकलेट दीजिएगा। तो सर, जैसे हिंदी और इंग्लिश का है तो मतलब एक ही जगह दोनों चीज़ें मिल जाएंगी? हाँ जी, एक ही बुकलेट में आपको दोनों लैंग्वेज मिलती हैं। जैसे कि आप इसको ओपन करके देखते हैं, आरएस इंस्टीट्यूट का ये आपका बुकलेट, ये बाइलिंगुअल बुकलेट है, मींस दोनों लैंग्वेज होंगी, हिंदी और इंग्लिश। सर जरा बच्चों को बुकलेट सामने दिखाइए कि हाँ जी, हिंदी इंग्लिश में ओपन करके क्वेश्चन है। जैसे कि ये आप देखें चैप्टर, ठीक है, सिक्वेंस एंड सीरीज का। ओके बच्चों, जैसे सर दिखा रहे हैं ये चैप्टर है सीक्वेंस सीरीज का। अब इसमें जैसे कि थोड़ा सा आपको बताते हैं, एक्सरसाइज 2 है ये, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में आप लिखा हुआ A1 क्वेश्चन, इन एन AP द थर्ड टर्म इज 4 टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड द सिक्स्थ टर्म इज 17, फाइंड द सीरीज। देखिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में, उसी के जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, एक समांतर श्रेणी का तृतीय पद प्रथम पद का 4 गुना है और छठा पद 17 है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो एक ही बुकलेट में उसी चीज़ को इंग्लिश में भी लिख रखा है और हिंदी में भी लिख रखा है, जिससे कि बच्चों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना आए। सबसे बेस्ट ये पूरे काकतों में, ये कहीं भी ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ कोटा में भी ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाता जो हमारे इंस्टीट्यूट हमारा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है। तो सर, मैं चाहूँगा थोड़ा बच्चों को पास से दिखा दें जिससे कि बच्चे स्टडी मटेरियल को देख सकें। तो बच्चों, आप ये स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन आपका क्या है, इंग्लिश में गिवन है, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, हिंदी में गिवन है। मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का बच्चा प्रॉपरली इसको देख के क्या तैयारी अपनी कर सकता है। और स्टडी मटेरियल हम देख रहे हैं कि ये दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी बच्चे का अगर जैसे कि हिंदी वीक है तो वो इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकता है। तो सर ने काफ़ी चीज़ों का क्या है ध्यान रखा हुआ है। तो सर, जैसे स्टडी मटेरियल तो हमने देख लिया, जैसे आपने ये एक बुकलेट दिखाई है, क्या इसके अलावा और भी बुकलेट्स हैं जो आपके यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं? ये पूरा पैकेज होता है हमारे यहाँ का, ठीक है, जो कि बहुत हेल्पफुल है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ये टोटल इतने मॉड्यूल्स मिलते हैं, ये मैथमेटिक्स का, सिमिलरली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एक्चुअल में हमारा इंस्टीट्यूट कंबाइंड इंस्टीट्यूट है। जैसे काकादू में हम लोग देखते हैं कि जनरली इंडिविजुअल टीचर्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स की अलग इंस्टीट्यूट होती है, केमिस्ट्री की अलग होती है, फिजिक्स की अलग होती है। तो ऐसे हम भी अभी 4 साल पहले इंडिविजुअल ही मैथ्स पढ़ाते थे, बट उसमें हम लोग क्या देखते थे, उसमें सिलेक्शन के चांस बहुत कम होते थे। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि इंडिविजुअल जब मैथ पढ़ाते थे तो वो केवल हम लोग मैथ्स पे ही फोकस कर पाते थे, उनका कोई कंबाइंड टेस्ट नहीं हो पाता था, कोई प्रॉपर उनको चीज़ें नहीं मिल पाती, केवल मैथ्स की मिलती थी। जिसमें हो क्या रहा था कि मैथ्स का तो बच्चों का स्कोर अच्छा आ रहा था, बट अदर सब्जेक्ट्स में वो बहुत कमजोर जा रहे थे। तो उसको हम लोग ये देख रहे थे, यदि हम लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए कंबाइंड इंस्टीट्यूट की ज़रूरत होती, जिसमें हम लोगों ने जो टीचर्स रखे हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, जो हमारे यहाँ टीचर्स हैं वो IITian हैं। जैसे फिजिक्स में जो हमारे यहाँ IITian है वो IIT धनबाद से हैं, केमिस्ट्री में है वो IIT रुड़की से हैं, मैथ्स में जो फैकल्टी है या हम हैं IIT कानपुर से हैं, और कुछ IIT BHU से भी हैं फैकल्टी हमारे यहाँ। कुछ फैकल्टीज ऐसे हैं जो डाउट्स बता रहे हैं वो भी IITian हैं,
बट उनको भी हम लोग अच्छा पैकेज दे रहे हैं जिससे कि अच्छे टीचर्स रखेंगे तो बच्चों को गाइड अच्छा मिलेगा, गाइडेंस, तो उससे सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। तो हम लोग कंबाइंड इसलिए कर रहे हैं कि इसमें एक कंबाइंड जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, तीनों टीचर्स ने बनाया पढ़ाया, और संडे को क्या हुआ कि उनका एक कंबाइंड टेस्ट हुआ। कंबाइंड टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस दिखेगी क्योंकि हाँ तीनों में कितना है, किस सब्जेक्ट में कौन कमजोर जा रहा है, उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर उतना ही एक्स्ट्रा फैकल्टी से वर्कआउट करा करके उसमें सिलेक्शन के लिए उनसे वर्क करते हैं। तो सर जैसे मान लीजिए आप काफ़ी बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे, आप काफ़ी बच्चों के माइंड में आएगा कि भाई हम इंस्टीट्यूट का फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या मान लीजिए उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम केवल स्टडी मटेरियल ले लें और कोचिंग वगैरह ना करें, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है आपके यहाँ? हाँ जी, हमारे यहाँ जैसे ये है, आप जैसे जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन इसको ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं, 1500 ही है। जैसे अदर लोगों की देखें तो जैसे मॉड्यूल्स देते हैं कोटा के हैं तो वो 4000 चार्ज करते हैं, 3000 चार्ज करते हैं, इसका 1500 चार्ज है। ये कम चार्ज इसलिए रखा गया कि बच्चा ईजिली इसको खरीद सके, बट ये इसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का जो लेवल है, कैसे पहले फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, देन लेवल वन है, देन मेंस के क्वेश्चंस, देन एडवांस के, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस, मीन्स जो अलग इस जो दूसरे इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स उनसे भी बहुत डिफर है, मीन्स सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं आपको। प्लस इसमें एक खासियत और है, इसमें अलग से कुछ सोल्यूशन के भी मॉड्यूल्स अलग से दिए गए हैं। ये किसी बच्चे को घर पे ही प्रॉब्लम हो रही है और वो उसके पास टीचर अवेलेबल नहीं, तो उसमें सोल्यूशन भी वो देख सकता है। इंस्टेड ऑफ दैट, इन सारे मॉड्यूल्स का सोल्यूशन हमारे ऐप पर भी है। बच्चा यदि हमारा ऐप ज्वाइन करता है तो उसमें हर एक क्वेश्चन का उसको सोल्यूशन भी मिलेगा। तो सर जैसे ये तो हमारा स्टडी मटेरियल की बात हो गई, जैसे अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे अक्सर पूछा करते हैं, जैसे अब मान लीजिए कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अब वो चाहता है कि भाई हम मान लीजिए सेट वगैरह ले लेंगे या कोचिंग भी ज्वाइन कर लेंगे, तो अब वो चाहता है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, क्या स्टार्टिंग में करना चाहिए कि भाई उसका जो लेवल है वो आईआईटी के लेवल को मैच कर जाए, वो एडवांस में फाइनली सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे वो मेंस तक पहुंचते हैं बट एडवांस में फेल हो जाते हैं, तो वो क्या करें कि मेंस भी ले ले, मेंस में भी सिलेक्ट हो जाए और एडवांस में भी सिलेक्ट हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट को बेसिक अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि बेसिक कंप्लीट है तो कोई टफ चीज़ भी होती वो भी अपने आप प्रिपेयर हो जाती है। तो सबसे पहला लेवल है बेसिक कंप्लीट करो, देन उसके बाद आप क्या करें, कुछ बुक्स भी आती हैं जैसे मार्केट में अरिहंत की बुक है, सिंगेज की है, यदि आप कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, अरिहंत, सिंगेज, दिशा की आपकी प्रीवियस ईयर की बुक आती है, अरिहंत की भी प्रीवियस ईयर की आती है, जो स्टडी मटेरियल रहता है अरिहंत का भी बेटर है, तो आप वो उन बुक से हेल्प ले सकते हो और उसमें मेंस के एडवांस के क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करें तो इजीली आप कर सकते हो उसमें। अब सर जैसे अगर हम एक नॉर्मल बात करें सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी लोगों का कहना होता है कि जैसे अगर आईआईटी में हो गया तो समझो लाइफ सेट हो गई, तो क्या ऐसा है कि मतलब लाइफ पूरी तरीके से सेट हो जाएगी, जैसे आप ऑलरेडी आईआईटीयन है तो क्या कुछ ऐसा सीन है कि मतलब पूरी तरीके से लाइफ सेट हो जाती है, क्या प्रॉब्लम्स एंड हो जाती हैं? नहीं, ऐसा प्रॉब्लम तो लाइफ में तो कभी नहीं एंड होती है। कहते हैं जो वर्क करते रहता है, जो हार्ड वर्क करता रहता है, उस वो आगे बढ़ता चला जाता है। यदि आप आईआईटी में सेलेक्ट हो गए और पता चला आप बस ये मान के बैठ गए कि मैं तो आईआईटी में सेलेक्ट हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, तो आपकी लाइफ वहीं स्टॉप हो जाएगी, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप यदि आईआईटी में सेलेक्ट हो गए हो तो और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। यदि आप वहाँ आईआईटी के अंदर जा करके मेहनत कर लेते हो तो ये समझ लीजिए आपके अंदर इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आएगा और उसमें सिलेक्शन के चांस, सिलेक्शन इन द सेंस आपके सक्सेस के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सर जैसे एक चीज़ और ये कही जाती है कि भाई आईआईटी का ठप्पा लग जाए या आईआईटी का टैग लग जाए तो बहुत अच्छा रहता है बच्चे के लिए। हाँ बिल्कुल, ये तो ऑब्वियस होता है कि आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, एक बंदे के ऊपर आईआईटीएन का टैग है तो उसको प्रेफरेंस पहले दी जाती है, और यदि जिसके पास आईआईटीएन का टैग नहीं तो उसको प्रेफरेंस बाद में दी जाती है। प्लस सेकेंड थिंग, बहुत सारी जगह बेनिफिशियल भी होती हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली आप एनवी सर का एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी रिसेंटली का उनका एक केस है कि उन्होंने कार खरीदी जाके, तो आईआईटी के टैग के कारण ही उस कार में उनको 1,00,000 का छूट मिला, केवल आईआईटी के टैग के कारण, आप ये समझ लीजिए। तो आईआईटी उनको बहुत सारी जगह छूट भी मिलती है, प्लस कंपनीज में और सारी जगह उनको प्रेफरेंस भी फर्स्ट मिलती है। तो सर इसका आईआईटी टैग ही बहुत मैटर करता है। आप ऐसे दो बंदे हैं, एक आईआईटीएन है और दूसरा एनआईटी से है, तो आप किसको पिक करोगे? ऑब्वियस आईआईटीएन को पहले टिक करोगे, ये रहता है। तो सर जैसे काफ़ी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जैसा आपने बताया कि भाई सिलेक्शन आपके यहाँ से अच्छे हो रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि किसी एक बच्चे का आप क्या है इंटरव्यू कराएं चैनल पे, जिससे कि काफ़ी बच्चे उस बच्चे से गाइड हो सकें कि तैयारी कैसे करना है, और हम चाहेंगे कि जो सिलेक्शन आपके इंस्टीट्यूट से हुआ है
अगर आईआईटी कानपुर में हो या किसी और आईआईटी में बच्चा, तो उससे आप इंटरव्यू करवा सकते, वो काफी ज्यादा बेटर रहेगा बच्चों के लिए। हमारे यहाँ से जैसे कि कानपुर की टॉप रैंक गई हुई है, फोर्थ रैंक, मीन्स ये कानपुर की अभी तक की सबसे टॉप रैंक है। तो आप जैसे पास में सबसे आपके लिए जो बेटर रहेगा आईआईटी कानपुर रहेगा, क्योंकि कानपुर में हमारा इंस्टीट्यूट है। तो आप यहाँ जा करके जो भी हमारे यहाँ के बच्चे सेलेक्ट हैं, हम आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स दे देंगे, आप जा करके उनसे मीट कर सकते हैं, उनसे अपना इंटरव्यू ले सकते हैं। यदि आपको मीट करने में प्रॉब्लम हो रही तो हमारे यहाँ का एक बंदा आपके साथ चला जाएगा कानपुर में, आपको वहाँ ईजिली एंट्री मिल जाएगी और वहाँ जा करके उन बच्चों का जो सेलेक्ट है हमारे इंस्टीट्यूट से, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो बच्चों, सर से मैं कॉन्टैक्ट नंबर ले लूँगा और सर के यहाँ से किसी ना किसी फैकल्टी को या फिर किसी एम्प्लॉय को ले लूँगा और आपके लिए क्या है, इंटरव्यू लेके आऊँगा उस बच्चे का जिसका आईआईटी में सिलेक्शन है। और आप भी उस बच्चे से सीखिएगा कि भाई कैसे हम आईआईटी की तैयारी करें, कैसे सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी बच्चों की हेल्प की और काफ़ी बच्चों को फ्री में मोटिवेशन प्रोवाइड किया। तो सर एट द एंड ऑफ द वीडियो आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? देखिए, बच्चों से सबसे मेन होता है बच्चों कि आपको ही सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है बेटा। टीचर्स तो आपको केवल गाइड करते हैं, ठीक है, हम बस आपको ये बताते हैं कि बेटा इस रास्ते पर चलना है। आपको उस रास्ते पर चल करके मेहनत करनी, आप इजीली सेलेक्ट हो सकते हो। और आईआईटी कुछ टफ नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं आईआईटी बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है। आप अच्छे से मेहनत करो, इजीली सेलेक्ट हो सकते हो। और जो बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है, वो मेहनत करें और सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।